सी द रिजल्ट, ये देखिए यूपटन। ये उपटन का कलर देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तो ये बिल्कुल इसने सारी जो डेड स्किन सेल होती है वो सब निकाल दी है, जो भी ऊपर जमा होता है। तो अब मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया है, अब इसको बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपटन बनाने के लिए चाहिए आपको मिक्स दाल, ये मिक्स दाल ले लीजिए, ये 2 या 3 स्पून के आसपास है। और जो इसमें जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है वो है चिरौंजी, ये आपको 1 चम्मच चिरौंजी लेनी है। ये मैंने धो लिया है चिरौंजी और मिक्स दाल को, ये मैंने दाल और चिरौंजी को कच्चे दूध में डाल के छोड़ दिया है, दूध कच्चा ही लेना है। और इसको आप फ्रिज में रख के छोड़िए रात को, क्योंकि अगर आपने बाहर रखा तो ये रात में दूध फट जाएगा और ये पूरा हमारा उपटन ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको फ्रिज में छोड़ दीजिए रात भर के लिए। ये हमारी दाल जो हमने रात को भिगोई थी, इसमें ऐड करेंगे नीम की पत्तियाँ, आप चाहे तो गुलाब की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं, या खीरा और दही। एंड ऑयल एज पर योर चॉइस, आई एम यूजिंग कोकोनट ऑयल, ऑयल 1 स्पून। नाउ ग्राइंड इट। आफ्टर ग्राइंडिंग अब हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी पाउडर 1 स्पून, 2 स्पून। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। ये देखिए अभी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है, हमको ये ऐसा ही चाहिए कि बॉडी पे हम इसको इजीली अप्लाई कर सकें। ये आपका हफ्ते का उपटन तैयार हो गया है, इसको आप 3 बार बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। योर उपटन इज रेडी। अगर इसमें आप ज़्यादा नीम की पत्तियाँ मिलाएंगे तो एक ग्रीन कलर का लगने लग जाता है, और आप इसमें गुलाब की पत्तियाँ मिला सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी रहती है। तो इसको फ्रीज में रखिए और हफ्ते में 3 बार इसको पक्का यूज़ कीजिए।